गाइज बेस्ट लैपटॉप फॉर स्टूडेंट्स अंडर 30,000। अंडर 30,000 ऐसा लैपटॉप होना चाहिए गाइज जिसमें कि बैटरी बैकअप जिसका सबसे बड़ी चीज जो है काफी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जो है मुझे बैटरी बैकअप अच्छा चाहिए होगा ताकि मैं अपनी असाइनमेंट्स वगैरह अगर लाइट नहीं भी है तो भी कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है, अपनी क्लासेस ले पाऊँ ऑनलाइन। और साथ ही साथ मुझे HD वेबकैम भी चाहिए होगा, ठीक है, ताकि जो है हम अच्छे से जो है अपना वीडियो कम्युनिकेशन कर पाएँ सामने वाले पर्सन के साथ। सेकेंडली उसके बाद हमारा जो है प्रोसेसर बहुत अच्छा होना चाहिए, यानी कि प्रोसेसर जो है i3 हो बेशक, ठीक है, i5 ना भी हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 जनरेशन का मिनिमम होना चाहिए, 11 से 12 जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाए, ठीक है। और साथ ही साथ हमारे को यहाँ पे जो है अगर i5 भी मिल जाए और 16 GB की रैम मिल जाए तो क्या ही दिक्कत है गाइज। ऐसे लैपटॉप्स ही आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ, 5 ऐसे लैपटॉप्स, वो बेस्ट लैपटॉप जिनको लेने के बाद 4-5 साल के लिए आप भूल जाएंगे, 4-5 साल आपके इजीली निकल जाएंगे इन लैपटॉप्स के साथ, क्योंकि इनमें अपग्रेडेशन भी है। अगर आप SSD अपग्रेड करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे, उसके बाद रैम अपग्रेड करना चाहते हैं वो भी कर पाएंगे, ठीक है, और आपका ये लैपटॉप्स जो है ये हैंग भी नहीं होने वाले, इजीली आपको जो है आउटपुट निकाल के दे देंगे अच्छे बैटरी बैकअप के साथ, वो भी अच्छे कैमरे के साथ, फुल HD डिस्प्ले भी यहाँ पे आपको मिलने वाला है गाइज, ठीक है। तो चलिए इन 5 बेस्ट लैपटॉप्स की बात करते हैं, क्या क्या इनमें फीचर्स हैं उनकी बात करेंगे, और अंडर 30,000 में आपको और क्या क्या डील्स मिल रही हैं वो फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं गाइज। तो गाइज यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे लैपटॉप से जिसका मॉडल है इंस्पिरॉन 3515, और सबसे लास्ट में एक ऐसा लैपटॉप बताने वाला हूँ जिसमें आपको जो है i5 प्रोसेसर मिलने वाला है, ठीक है, i5 प्रोसेसर के साथ मिलेगा वो, और बहुत ही जबरदस्त लैपटॉप होने वाला है, उसमें 16 GB की रैम भी मिल जाएगी आपको, ठीक है, और बहुत बढ़िया लैपटॉप है गाइज, काफी अच्छे रिव्यूज है उस लैपटॉप के। तो यहाँ पे डेल इंस्पिरॉन 3515 की बात करूँ, पहले इसके बारे में देख लेते हैं, अगर आपको डेल का ही लैपटॉप के साथ जाना है तो फिर इसमें आपको ये वाला लैपटॉप बेस्ट होने वाला है आपका, ठीक है, अंडर 30,000। AMD Ryzen 3 प्रोसेसर यहाँ पे लगा हुआ है 3250U सीरीज का, 8 GB की रैम, 256 GB SSD, दोनों एक्सपेंडेबल है गाइज, यहाँ पे विंडोज 11 प्लस ऑफिस 2021 के साथ यहाँ पर आता है, और इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं रेडोन के, AMD रेडोन इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, ठीक है, 15.6 इंच की फुल HD डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिलने वाली है गाइज, और प्राइस आपके सामने है। बैटरी बैकअप भी इसका अच्छा है और लाइट वेट है गाइज, 1.8 kg है, और बैटरी बैकअप भी इसका 3 से 4 घंटे आराम से आपका निकल जाएगा गाइज, तो ये भी एक बेस्ट डील होने वाली है डेल इंस्पिरॉन 3515। उसके बाद नेक्स्ट लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आ जाता है लिनोवो का V15। लिनोवो का V15 जो है ये भी आपका AMD Ryzen 3 प्रोसेसर के साथ आएगा, लेकिन आप यहाँ पे सीरीज चेक करोगे तो 7320, बहुत ही जबरदस्त सीरीज है 7320 सीरीज, फुल HD डिस्प्ले के साथ आपको मिलेगा 250 nits एंटी ग्लेयर थिन एंड लाइट लैपटॉप। यहाँ पे भी 8 GB की रैम और 512 GB की SSD आपको मिलने वाली है, विंडोज 11 होम आपको यहाँ पे साथ में मिलेगा गाइस, ठीक है, ये कुछ इसकी इमेजेस यहाँ पे दिखाई गई हैं इस तरीके से, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ तो इसमें फीचर्स जो है आपको काफ़ी अच्छे मिल जाते हैं, कैमरा मिल जाएगा आपको, HD वेबकैम मिलेगा 720p का विद प्राइवेसी शटर यहाँ पे, ठीक है, और सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, आप देख सकते हैं इजीली, ठीक है, वाईफाई ब्लूटूथ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा, और बैटरी बैकअप जो है इसका 8.7 आवर्स का यहाँ पे बताया गया है एज पर मोबाइल मार्क, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 65 वाट का AC अडेप्टर भी मिलता है, चार्ज अप टू 80% इन 1 आवर, ठीक है, एक घंटे में आपका 80% लैपटॉप चार्ज भी हो जाएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है गाइस। यहाँ पे इंटीग्रेटेड रेडोन के ग्राफिक्स मिलने वाले हैं, फुल HD डिस्प्ले मिलने वाला है, प्रीलोडेड विंडोज 11 होम SL विद लाइफ टाइम वैलिडिटी आपको यहाँ पे मिलने वाली है, ठीक है। पोर्ट्स यहाँ पे आप देख सकते हो, सभी पोर्ट्स आपको मिल रहे हैं, DLR माइक्रोफोन मिल रहा है, ठीक है, ऑडियो का जैक मिल रहा है यहाँ पे, और सभी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही है, कैमरा विद प्राइवेसी शटर मिल रहा है, ठीक है, और जो प्रोसेसर की बेस स्पीड है वो है यहाँ पे 2.4 GHz की इसकी बेस स्पीड होने वाली है यहाँ पे प्रोसेसर की गाइस आप, ठीक है। और रैम की आप स्पीड देख सकते हो भाई, यहाँ पे 8 GB की रैम है DDR5 की, 5500 MHz की स्पीड गाइस यहाँ पे मिल रही है आपको रैम की, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड यहाँ पे होने वाली है, लेकिन इसमें बस आपको ऑफिस नहीं मिलता, ऑफिस 2021 जैसे डेल पे मिल रहा था, बाकी विंडोज 11 होम यहाँ पे आपको मिलेगा। उसके बाद मैं थर्ड लैपटॉप की बात करूँ तो वो आ जाता है Asus VivoBook 50, ठीक है, ये बहुत अच्छा लैपटॉप है गाइस Asus VivoBook 15 का, पर्सनली मुझे भी काफ़ी पसंद है, इंटेल कोर i3 का प्रोसेसर है इसमें, 11 जनरेशन का प्रोसेसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो पहला प्रोसेसर है जो इंटेल के साथ आया अभी हमारा लैपटॉप जो हम देख रहे हैं, ठीक है, ये इंटेल प्रोसेसर के साथ है, इससे पहले जो दोनों देख रहे हैं वो AMD Ryzen के साथ थे, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 8 GB और 512 GB की SSD आपको मिल जाती है, विंडोज 11 ऑफिस 2021 आपको यहाँ पे मिल जाएगा गाइज, ठीक है। बाकी इसकी बात करूँ तो आप यहाँ पे प्रोसेसर देख सकते हो कि इसको स्पीड है वो देखो गाइज आप, 3 GHz की बेस स्पीड है, बहुत ज़बरदस्त स्पीड यहाँ पे होने वाली है 3 GHz की, ठीक है। और 8 GB की रैम मैंने आपको बताया ना, 4 GB ऑनबोर्ड, 4 GB है DDR4 स्टोरेज, आपको 512 GB की यहाँ पे मिलेगी, फुल HD डिस्प्ले की होने वाली है यहाँ पे आप देख सकते हो, LED बैकलिट मिल रही है आपको, 60Hz की रिफ्रेश रेट मिल जाएगा आपको डिस्प्ले का गाइज, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 होम यहाँ पे मिल रहा है, प्री इंस्टॉल्ड ऑफिस 2021 आपको यहाँ पे मिल रहा है, और साथ ही साथ जो इसका बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा होने वाला है अप टू 8 आवर्स, लाइट वेट है 1.8 kg में, बैकलिट चिकलेट कीबोर्ड आपको यहाँ पे
मिल जाएगा। तो ये भी एक काफी जबरदस्त चॉइस आपके लिए होने वाली है, Asus MuBook 15 लैपटॉप। ठीक है, सब फ्यूचर प्रूफ लैपटॉप्स हैं, एक बार ले लोगे 4-5 साल की छुट्टी गाइस। उसके बाद नेक्स्ट लैपटॉप की बात करूं तो वो आ जाता है यहाँ पे Acer Aspire Lite, 12th जनरेशन का प्रोसेसर है गाइस, 12th जनरेशन का इंटेल कोर i3 1215U प्रीमियम मेटल लैपटॉप। यहाँ पे आप देख सकते हो विंडोज 11 होम, 8GB रैम, 512GB SSD ऑलरेडी मिल रही है, जो कि सभी में मिल रही है, इसमें भी है। फुल HD डिस्प्ले यहाँ पे आपको मिल रहा है। वेट देखो गाइस, इसका लाइट वेट है, Acer Aspire Lite, और वेट भी इसका लाइट है, यानी कि इजी टू कैरी होने वाला है। ये 1.59 kg का है, तो इजी टू कैरी होने वाला है, इजीली आप इसको कैरी कर पाओगे। ठीक है, प्राइस इसका वही 30,990 दिखा रहा है यहाँ पे। बाकी इसमें जो है आपको अगर आप स्पीड चेक करोगे प्रोसेसर की तो काफ़ी स्पीड है, और 4.4 GHz तक आपकी स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी गाइस। 8GB की ड्यूल चैनल DDR4 रैम मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, SSD मैंने बताया एक्सपेंडेबल है यहाँ पे 1TB तक, और टाइप सी का पोर्ट आपको मिलने वाला है, 2 USB 2.0 टाइप ए पोर्ट मिलेंगे, USB 3.2 टाइप ए पोर्ट मिलेगा। कीबोर्ड आपको यहाँ मिलने वाला है विद इंडिपेंडेंट न्यूमेरिक कीबोर्ड, फुल कीबोर्ड मिल रहा है गाइस आपको इस लैपटॉप में, फुल कीबोर्ड। ठीक है, साथ में यानी कि आपको न्यूमेरिक कीबोर्ड अलग से भी मिल जाएगा इसी लैपटॉप में। तो आपको Acer Aspire Lite अगर आप लेना चाहते हैं तो ये भी ले सकते हैं, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डील मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, टॉप बेस्टिफाई लैपटॉप में ये भी एक बेस्ट लैपटॉप है फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट लैपटॉप की अगर मैं बात करूँ तो वो आ जाता है यहाँ पे, जो कि मैंने बताया हमारा बम्पर लैपटॉप, सबसे जबरदस्त यहाँ पे जो लैपटॉप है वो है Zebronics का लैपटॉप है यहाँ पे। ठीक है, इंडियन ब्रांड है Zebronics, और यहाँ पे आप देख सकते हो प्रो सीरीज का लैपटॉप है, प्रो सीरीज वाई, Zebronics प्रो सीरीज वाई NBC2S, ये इसका मॉडल नंबर है गाइज। यहाँ पे प्रोसेसर देखो भाई, यहाँ पे 11 जनरेशन i5 प्रोसेसर मिल रहा है गाइज आपको, 16GB रैम, 512GB SSD, प्राइस आप देख सकते हो आपके सामने, IPS डिस्प्ले आपको यहाँ पे मिल रही है गाइज, IPS डिस्प्ले, जो कि IPS डिस्प्ले अलग ही होती है, बिल्कुल जबरदस्त लैपटॉप होते हैं IPS डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले के बिल्कुल कूल कलर आते हैं आपके यहाँ पे। ठीक है, विंडोज 11 होम के साथ आपको मिल रहा है, अल्ट्रा स्लिम, वेट भी इसका आप देख सकते हो 1.6 kg वेट यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो ये भी एक लैपटॉप जो है बहुत अच्छी चॉइस होने वाली है आपके लिए, अगर आप इस लैपटॉप की तरफ भी जाते हो। बाकी गाइज मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ कि आपको कौन सा लैपटॉप सबसे ज़्यादा पसंद आया, और आप कौन सा लैपटॉप लेने का प्लान कर रहे हैं, बेसिकली किस कौन सा ब्रांड आपको सबसे ज़्यादा पसंद है गाइज। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको मुझे बतानी है एक बारी, और कोई अगर डाउट है आपको तो वो जरूर मुझसे पूछना कमेंट सेक्शन में, कोई भी स्पेसिफिकेशन को लेके, किसी को कैमरे को लेके, या फिर कोई बैटरी बैकअप को लेके, वो अगर कुछ भी आपके मन में डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा तुरंत। ठीक है गाइस, और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ आपसे और कुछ न्यू वीडियोज़ के साथ, बेहतरीन वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय गाइज़।